हे गाइस, कम ऑन ट्रैवलर्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नई नई वीडियोस की जानकारी आप सबको मिलती रहे। और दोस्तों की जैसा मैं यहाँ पहुँच गया था, अभी मैं ना ये यहाँ टेंट वगैरह ये सामान उतारूँ और आज पहला मौका हमें शुक्राला माता के चरणों में टेंट लगाने का मौका मिल रहा है। तो बाकी देखते हैं वहाँ लगाना या कहीं और लगाना। बाकी ये सामान उतार रहा हूँ, थोड़ा उतार के चलते हैं फिर ऊपर। फर्स्ट लगाया आज शुक्राला माता के दरबार में। तो चलिए जय माता दी। और कुछ इंटरेस्टिंग सा रहेगा वो भी आपको दिखाते हैं, चलिए। अच्छा तो दोस्तों, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो उस समय काफ़ी गर्मी थी और अभी के अपडेट दें मौसम ठंडा हो गया, बारिश भी आ सकती है, कोई बात नहीं। वैसे तो अपने में पूरा जुगाड़ तो पूरा है वैसे तो, है ना। तो टेंट तो लगे, बाकी मौसम ठंडा हो गया। आपको दिखाऊँ तो यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है और ये हमने यहाँ पर टेंट लगाया है और मंदिर वो सामने है। और मंदिर अभी इस समय बंद है क्योंकि समय काफ़ी हो गया है यहाँ पे, मंदिर जल्दी बंद हो जाता है। तो बाकी बाहर चक्कर मार के आता हूँ थोड़ा, मैं आपको थोड़ी मार्केट दिखाता हूँ। ओहो ओहो दोस्तों, यहाँ पे मैं पहुँचा था, हमारे भाई जम्मू के मशहूर कलाकार, आप इनको देखा होगा, अखिल गुप्ता जी भी यहाँ पे आ चुके हैं। हाय हाय, क्या बात है, हमारा भाई जान मिले हमको, क्या बात है, बहुत बस कपड़ा है। बोलो बोलो। तो कुछ इस तरह की मार्केट है, मैं आपको दिखाऊं। और यहाँ पे कुछ वैसे खाने पीने का तो सब सामान है, तो पहले ऊपर चलते हैं हम। ओहो हाँ हाँ, मिला मैं इनसे पहले। ये हमारे रजत भाई और ये अंकुश भाई, वैसे तो ये सिर्फ जब मिलते हैं तभी, बाकी ये पहचानते नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पे इस समय कल की तैयारियाँ चल रही हैं, जो कि यहाँ पे मिठाई बनाते हैं, यहाँ पे बर्फी बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ऊपर चलती है, जय माता दी। और दोस्तों यहाँ पे पहुँच गए अभी हम माता के मंदिर के पास। तो चलिए, अभी जो मंदिर के कबाट हैं वो इस समय बंद है, बाकी आप ये देखिए, जय माता दी। इस समय मंदिर के कबाट बंद है, जो कि कल खुलेंगे, तो तब तक यहाँ से माथा टेकते हैं। तो कल दर्शन करेंगे माता रानी के, तो जल्दी तब तक नीचे। और दोस्तों, जैसे कि जब मॉर्निंग में कल मंदिर खुलेगा तब आपको
थोड़े माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो तब तक जय माता दी। और कुछ अगर इंटरेस्टिंग सा कुछ रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी हमारे पीछे पीछे हमारे अखिल भाई भी आ चुके हैं। अखिल भाई जम्मू की अनबान शान है ये। और हमारे साथ चिप्स भी खाने को मिल रही है। अरे हाँ, मल्लिका हमेशा इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन रहती है। हेलो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। गुड मॉर्निंग। और सुबह हो गई है, उठ गई है, बाकी कुछ इस तरह का नजारा है। बाद में मिल दो, उड़ने दो। यहाँ पे है दरबार माता रानी का और यहाँ पे हमने लगाया था टेंट। वो सोया हुआ है अभी अंदर सूरज। ये है कुछ इस तरह का नजारा। और दोस्तों इस समय 8:40 हो रहे हैं। और अभी की अपडेट ये है कि अभी पहले स्नान करना है हमें। और बाकी मैंने इसका आउटर जो था वो उतार दिया, अभी टेंट लगाया हुआ है। तो बाकी स्नान करेंगे, उसके बाद बढ़िया सा कुछ रहेगा तो वो बताएंगे। बाकी यहाँ पे दरबार है माता रानी का। और ये है सरा, ये है अपने भाई, एक मनोज भाई है और एक भाई का नाम मुझे भूल जाता है, विकास। और ये सराह है और वो लंगर है। आओ लंगर खा लो। अच्छा 9:30 हो गए और अपन अब माता रानी के दर्शनों के लिए चलते हैं। तो चलिए जय माता दी, आपको भी माता रानी के दर्शन करवाते हैं। तो आइए आपको हम महामाई के दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ से जो कि माता रानी के दर्शनों के लिए रास्ता जा रहा है, तो आइए मेरे साथ। तो अभी हम सबसे पहले माता रानी के लिए प्रसाद लेंगे। जो माता रानी को प्रसाद चढ़ाएंगे, तो आइए हम यहाँ से प्रसाद देते हैं पहले। तो आइए चलिए पहले प्रसाद देते हैं। तो जी चलिए अभी माता रानी के दरबार आ गए हैं और प्रसाद ले लिया है पीछे से। और चलिए जय माता दी। और कुछ इस तरह से रास्ता है दरबार को जाने का। और दोस्तों अभी हमने प्रसाद में लिया है, गुड़ चने होते हैं, गुड़ चने और चुन्नी है माता रानी की। पूरा दिखाता हूँ मैं अभी आपको ऊपर चल के। और जी अभी हम पहुंच चुके हैं माँ शुक्राला वाली जी के दरबार। तो अभी मेरे पीछे देखिए ये माता रानी का दरबार है। और बाकी आइए आपको दर्शन करवाते हैं पहले। और सज्जनों अभी हम पहुंच गए हैं माता रानी के दरबार, माँ शुक्राला वाली जी के दरबार। तो आइए माता रानी के दर्शन करें। तो चलिए आइए। और दोस्तों अभी हम माता रानी के दरबार पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हमारे भोले बाबा का भी दरबार है, यहाँ पे काफ़ी पुराना मंदिर है। तो चलिए अभी आपको भोले बाबा के भी दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे हमारे महाकाल बाबा भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो यहाँ से जैसा कि हम पहुँच गए हैं, तो हम बागीचाले हैं, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन हमें यहाँ पे भी हो गए। जय श्री महाकाल जरूर लिखिए कॉन्ट्रेक्शन में। तो यहाँ पे थोड़ा सा पूजा कर लेंगे। तो चलिए जी भोले बाबा के दर्शन के बाद हम माता रानी के दर्शन के लिए चलते आओ। जी
और दोस्तों माता रानी के दरबार बिल्कुल दरबार के बाहर खड़े हैं। अभी माता रानी को भूख लग रहा है और जैसे ही पर्दा हटेगा माता रानी की दर्शन कराएंगे आपको। काशी जी आपके श्री चरणों में आपके जो माता रानी का सिर भोग पत्र पुष्प जो भी इनको बना है देखिए महाराज जी। हाँ जी हाँ जी तो दोस्तों इस समय 12:30 बज चुके हैं और हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और काफी देर से हम यहीं पे थे और मौसम काफी ज्यादा ठंडा था यहाँ पे और अभी समय बहुत ही गर्मी हो चुकी है। बाकी यहाँ से दरबार जय माता दी आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और यहाँ पे हमारा पैकअप हो गया, सूरज जी आ गए हैं और ये पूरा पैकअप हो गया, तो चलिए अभी चलते हैं। तो दोस्तों अभी 3:04 हुए हैं, अभी हम मानसर पहुंच गए हैं। वहां से यार बहुत ज़्यादा सफ़र था और थक गए यार, तो इसलिए आज मैं आपको जो यहाँ पे जो देवता हैं मानसर बाबा जी उनके दर्शन भी करवाता हूँ मैं आपको, तो चले है ना, तो पहले उनके दर्शन करवाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो मंदिर है मंदिर के बाहर पहुँच गए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दर्शन करवाएंगे, उसके बाद जो कि यहाँ पे पूरा जो सिनेमैटिक शूट रहेगा उसके बाद वो ही बताऊंगा मैं आपको। पहले मंदिर के दर्शन और ये है मंदिर, तो मंदिर के अंदर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पहुँच गए हैं बाबा मानसर जी के मंदिर में, तो आइए मेरे साथ आपको सबसे पहले बाबा जी के दर्शन करवाते हैं, उसके बाद यहाँ पे पंडित जी से पूछते हैं जो कि क्या महानता है और कृष्ण कितना प्राचीन मंदिर है ना। तो चलिए सबसे पहले दर्शन कर लेंगे। बाकी आप ये दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे मानसर बाबा जी के, और जो भी ये दर्शन कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है इसको शेयर भी कर दें। Thank you.
4:20 हो रहे हैं। हमने शूट भी किया थोड़ा अपना गाने का भी, और बाकी अभी अपन निकल रहे हैं, बाइक निकाल रहे थे, बैग फंस गया था। लोग साले बीच में गाड़ी लगा जाते हैं, तो शर्म करो यार। ये देख, बीच में गाड़ी लगा दी, बैग फंस गए थे हमारे, सूर्य ने उठा के लाया। अरे यार साली पार्क करना तो देखो, गाड़ी तो ले लो 5-6 लाख रुपए की, साली पार्क करना नहीं आती अब लोगों को, भोसा तुम्हारी का। और दोस्तों अभी हम मानसर से चल के सुरेंद्र के रास्ते पे अभी आए हैं, और हमें साहिल भैया मिल गए। तो अभी ये देखो भैया यहाँ पे चढ़ गए ये देखो, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा फोटो शूट करते हैं अपन, और उसके बाद वापस सुरेंद्र को निकलते हैं, तो फोटो शूट के बाद मिलते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह की लोकेशन थी, हमने काफी ज्यादा शूट किया और रील भी बना ली है, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगी। अब आपको पता ही है कि क्या आईडी है कि नहीं पता, जब आप वीडियो स्टार्ट करते हो तब तो मिल जाती है। तो अभी चलते हैं, बाकी ये भाई बहुत सुंदर है, हमारा जम्मू बहुत सुंदर है, चलते हैं बाकी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगले व्लॉग के लिए बने रहिए और कमेंट करके बताएं आपको कैसा व्लॉग लगा, मुझे फॉलो कीजिए, थैंक यू।